कैसे हैं आप सब, जहां भी होंगे बहुत ही अच्छा होंगे फ्रेंड। तो मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं राज दुनिया यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड यहां पे जो है ना, तो हम आपको सोशल साइंस का जो कि यहां पे देख सकते हैं बिहार बोर्ड ने मॉडल मॉडल पेपर जारी किया 1 तारीख का, वही वाला ये है फ्रेंड। तो उनका हम जो कि स्टेप बाय स्टेप आपको जो कि उसका आंसर की बताएंगे फ्रेंड। तो आप लोग को जो है वीडियो में बने रहना है, वीडियो को फुल देखना है। देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन जो कि 2021 एनुअल सोशल साइंस जो कि मॉडल सेट सामाजिक विज्ञान, और आपको टाइम मिलता है इसमें 2 घंटा 15 मिनट का, 45 मिनट का फ्रेंड। और आप देखिए फुल मार्क जो है ना आपका 80 यहाँ पे फुल मार्क दिया गया है, जो कि यहाँ इसमें 20 नंबर का प्रैक्टिकल परीक्षा आता है, इसलिए 80 नंबर का यहाँ पे एग्जाम होता है, यहाँ पे बताया गया है ये सब। तो निर्देशांक सब दिया गया है। यदि आप लोग अभी तक PDF नहीं डाउनलोड किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस PDF का, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं, और इसमें देखिए इस बार जो है ना प्रश्नों का विकल्प बढ़ा दिया गया है जो कि इसमें दिया गया है। तो हम उतना जो कि यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, जो कि सब समझदार हैं सब समझते हैं। तो यहाँ पे हम चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो हिंद चीन में यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा राष्ट्र यहाँ पे शामिल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे चीन जो है ना शामिल यहाँ में नहीं है हिंद चीन में। तो इसका सही आंसर आपका जो हो जाएगा तो चीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बताया गया है वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस कब हुआ था, तो 1815 को वियना कांग्रेस हुआ था। तो इसका ऑप्शन सही ए हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यहाँ देखिए भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की। तो भारत में जो है ना एकदम जो कि यहाँ पे देख सकते हैं तो किसने की है, तो यहाँ पे लाला हरदयाल ने किया है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो कि सी आंसर हो जाएगा। तो भारत में जो कि गद्दर पार्टी का स्थापना किसने किया है, तो लाला हरदयाल ने किया है। उसके बाद चलिए जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पे देख सकते हैं द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ। तो इसका जो कि सही आंसर आपका देख सकते हैं सार्क है, नाटो है, ओपेक है, और यहाँ पे देख सकते हैं यूरोपीय संघ है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, यूरोपीय संघ इनका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5वां नंबर है नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे। तो यहाँ पे देखिए ए में है वियतनाम, बी में लाओस, सी में थाईलैंड और डी में कंबोडिया। तो इसका जो सही आंसर 5 का आपका हो जाएगा वो कंबोडिया सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग जो कि याद करते चलिएगा अच्छा रहेगा। 6 नंबर क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया, जो कि बहुत ही यहाँ पे इजी क्वेश्चन है। तो भाप चालित इंजन का जो क्या वाष्प चालित इंजन का जो आप जेम्स वाट ने आविष्कार किया था फ्रेंड, तो सबको ही पता होगा, नहीं पता है तो याद कर लीजिए। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब की गई थी। तो टाटा आयरन और स्टील कंपनी का स्थापना जो है 1907 ईस्वी में की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए जो कि 8 नंबर क्वेश्चन है गोलघर कहाँ स्थित है। तो वेरी इजी यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड। तो आप लोग को हम बोलते हैं इस जो कि मॉडल पेपर को अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए ताकि आप लोग को अच्छा लगे। तो यहाँ पे गोलघर कहाँ स्थित है, तो सही इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन पटना हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो किस अमेरिकी ने, तो यहाँ पे जो है इनका सही आंसर देख सकते हैं FD रूजवेल्ट सही आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए हम जो है स्पीड में करा रहे हैं इसलिए ताकि टाइम ना लगे, तो आप लोग को भी याद करते ही चलना है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो नेपोलियन संहिता जो है आपको 1804 ईस्वी में लागू की गई थी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 11 नंबर में फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो 11 नंबर में आपको फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी में 1871 है, ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए कार्ल मार्क्स का जन्म जो कि देख सकते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में कार्ल मार्क्स का जन्म जो है ना तो कहाँ हुआ था, 12 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है फ्रेंड। ऑप्शन में है जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड। तो यहाँ पे जर्मनी इसका सही आंसर हो जाएगा 12 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जो कोई क्वेश्चन में आपको जो कन्फ्यूजन है तो आप लोग जो कि कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए 1991 में निम्न में से कौन सा अस्तित्व में आया। तो इनमें से जो कि 1300 यहाँ पे देख सकते हैं, तो 1991 यहाँ पे बोल रहा है, तो इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं,
तो 14 नंबर क्वेश्चन ये है, इनमें आर्थिक क्रियाओं कौन सा प्राथमिक क्षेत्र संबंधित नहीं है। देखिए मत्स्य पालन जो कि यहाँ में आर्थिक क्रिया को में बोल रहे हैं, तो प्राथमिक जो क्षेत्र होता है उसमें जो कि आपका आ जाता है जैसे कृषि, तो ये सब जो है ना आपको जो है ना सो मत्स्य पालन खनन ये सब जो है आपका प्राथमिक में आ जाता है, लेकिन बैंकिंग जो है प्राथमिक नहीं आता है, तो आपका जो है ना इसमें बी नंबर आपका सही हो जाएगा बैंकिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप, जमदेशपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग का केंद्र है। तो यहाँ पे जो है इसका चलिए ऑप्शन दिखाते हैं आपको, देखिए सीमेंट यहाँ पे दिया गया है और चीनी दिया गया है, आयरन एवं स्टील। तो बस देखिए कोलकाता जो है यहाँ पे देख सकते हैं क्या, जमदेशपुर दुर्गापुर जो है ये जो आयरन और स्टील के लिए यहाँ पे विख्यात है फ्रेंड, तो आप लोग पहले से भी जानते होंगे, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं और यहाँ देखिए प्रति व्यक्ति आय का आशय है, तो प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं संपूर्ण आय ए में है, बी में है औसत आय, सी में राष्ट्रीय आय, डी में जो कि सीमांत आय। देखिए तो प्रति व्यक्ति जो आय होता है तो औसत आय होता है, क्या होता है तो औसत आय, इनका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग याद करते चलिएगा और यहाँ देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1950 है और बी 1951, सी 1952, डी 1955, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 1951 सही आंसर इसका हो जाएगा। और यहाँ देखिए जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया है, देखिए बांग्लादेश की मुद्रा है, तो बांग्लादेश की मुद्रा यहाँ पे देख सकते हैं टाका यहाँ पे होता है, तो इसका सही आंसर आपका टाका हो जाएगा बांग्लादेश का मुद्रा, तो आप लोग याद करते चलिएगा। और यहाँ देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है, तो सरकार की आय, पारिवारिक आय, सार्वजनिक उपक्रम की आय, उत्पादन के साधनों की आय, तो राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होगा इसमें, तो मैं आपको बता दे ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा तो डी इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को याद करते चलिए और 20 नंबर क्वेश्चन के बारे में चलिए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, 1968, 1986, 1984, 1976, तो इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा आपका 1986 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है, देखिए भूमि विकास द्वारा थे अल्पकालीन है, मध्यकालीन है, दीर्घकालीन, तो इसका जो है ना भूमि विकास द्वारा जो कि ऋण प्राप्त किया जाता है दीर्घकालीन, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका दीर्घकालीन ऋण हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है, तो भारत में जो किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है, तो यहाँ पे मिश्रित जो है ना अर्थव्यवस्था है फ्रेंड, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी या इसका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है, सतलज से, कावेरी से, नर्मदा से, कृष्णा से, तो सही आंसर इसका हो जाएगा कृष्णा, क्या होगा तो सही आपको याद करने चलता है, मतलब डी इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं और उसके बाद जो है तो 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा सुनामी से प्रभावित हुआ, तो कौन से यहाँ पे सुनामी से प्रभावित हुआ, तो इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, क्या होगा तो बंगाल की खाड़ी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है, देखिए तो इसमें जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, केबल का टूट जाना, तो यहाँ पे संचार का जो कि केबल जैसे टूट जाएगा संचार बाधित हो जाएगा फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं और 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए बाढ़ क्षति पहुँचाती हैं, तो यहाँ पे देखिए फसलों को, पशुओं को, भवनों को, तो इनमें है उपरोक्त सभी, इसका सही जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, बाढ़ जो है हर एक कुछ का जो कि मतलब ये क्षति पहुँचाते हैं। चलिए 27 नंबर के बारे में बात कर लेते हैं, स्वर्णिम, तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, तो यहाँ पे सड़क मार्ग का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया गया 28 नंबर में, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए गांव के बाहर खेतों में उच्च भूमि पर, तो सबको पता होगा कि बाढ़ के समय जो है ना उच्च भूमि पर जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, यहाँ पे देखिए भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तो यहाँ पे जो है ना इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए पंचायत के चुनाव कौन करवाता है, देखिए केंद्र सरकार, जिला परिषद, राज्य चुनाव आयोग और राज्य सरकार, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्य चुनाव आयोग करवाते हैं पंचायत का चुनाव। और 31 नंबर क्वेश्चन देखिए,
भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? यहाँ पे देखिए ऑप्शन है बिहार है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, राजस्थान। देखिए तो यहाँ पे जो है ना पंचायती चुनाव जो सबसे पहले शुरुआत हुआ था वो राजस्थान से शुरुआत। ऑप्शन नंबर डी इसका से आंसर हो जाएगा। 32 नंबर देखिए, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश के आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जनता पार्टी की सरकार बनी थी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सो सी ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, तो सी इसका सही आंसर होगा 32 का। उसके बाद देखिए तारी विरोधी आंदोलन 33 नंबर में है, किस प्रांत से शुरू किया गया था? देखिए ए में बिहार है, बी में उत्तर प्रदेश, सी में आंध्र प्रदेश और डी में तमिलनाडु। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो तारी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था सो आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। देखिए धर्म के जो कि 34 नंबर के क्वेश्चन है, समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो यहाँ पे जो है ना सांप्रदायिक जो है सो धर्म का जो कि यहाँ पे मुख्य आधार मानता है फ्रेंड, तो आपको जो है ना याद कर लेना है सांप्रदायिक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और यहाँ देखिए सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यहाँ पे यह विविधता को बढ़ाती है और ऑप्शन देखते हैं देश की एकता कमजोर करती है और फैसले लेने में देर करवाती है, विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। तो इसका जो ऑप्शन यहाँ पे कितना नंबर क्वेश्चन है, तो 35 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। ठीक, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन, नेपाल के सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे देखिए जो कि आप नेपाल के बारे में यहाँ पे बोला गया है, तो 36 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है, लोकतंत्र की स्थापना करना, तो बी इसका जो सही आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो कोयला बोला गया है यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे झारखंड इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग को जो है ना सही आंसर क्या होगा, तो बी हो जाएगा झारखंड, जो कि कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। और सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में है असम, बी में अरुणाचल प्रदेश, सी में राजस्थान, डी में मेघालय। तो सही इसका आंसर हो जाएगा जो कि सौर ऊर्जा जो कि गर्मी से उत्पन्न होता है फ्रेंड, तो राजस्थान जो कि बहुत ही गर्म राज्य है, तो राजस्थान इसका सही आंसर आपको हो जाएगा। और देखिए बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, कोसी नदी घाटी परियोजना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसको याद कर लीजिएगा। और सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो सुंदरवन जो है ना टाइगर रिजर्व आपको जो है पड़ जाता है पश्चिम बंगाल में, तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको 41 नंबर जो कि आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, और जो कमेंट बॉक्स में आंसर देगा उसका नाम जो कि अगले वीडियो में अगले पार्ट में लिया जाएगा फ्रेंड। हम जो है ना अभी 40 ही बताइए, अगले पार्ट में हम आपको पूरा क्लियर करवा देंगे। तो भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो आपको जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो यदि मेरा वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।